गुड मॉर्निंग विद साबी ब्रॉट टू यू बाय बिनासान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। वेलकम अगेन। और हम लोग बात कर रहे हैं हजामा पे, और मैं एक बार फिर हकीम जुबैर साहब के पास जाती हूँ। जी सर, ओवर टू यू। जी, ये मरीज है हमारे, इनके जो है ना चेहरे के ऊपर हम एक तो फेस के ऊपर हजामा करेंगे okay. और इनको चूंकि शोल्डर्स का भी पेन है, इनके okay. बैक के ऊपर हम शोल्डर लगाएंगे okay. और साथ सुन्नत पॉइंट्स, तो ये मुझे दीजिए। अच्छा जी, ये साथ साथ नाज़रीन आप देखें, इस वक्त हम प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रही है और ज़ुबैर साहब इस वक्त बिल्कुल देखें, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले वो ग्लव्स जो हैं वो पहन रहे हैं। जी बिल्कुल, इसकी जो एहतियाती तदाबीर है हम सारी जो है वो पूरी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है ताकि जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा नाज़रीन, आप लोग अगर आपको अल्लाह ना करे कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सिर्फ एक डिज़ीज़ के लिए नहीं है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो बीमारी से रिलेवेंट, जो भी बीमारी हो, शुगर हो या अल्लाह ना करे हड्डियों का दर्द हो, कुछ भी हो, सब बीमारी के लिए हकीम साहब, सब बीमारी के जी, लिए बिल्कुल। हिजामा जो है वो हर बीमारी के अंदर हो सकता है, ये खाली कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुन्नत पॉइंट्स ही इसके अंदर लगेंगे, बल्कि हर बीमारी के अंदर। खोल के दीजिए, बिल्कुल हर बीमारी के अंदर हिजामा होता है, और खास तौर पर फेस का जो हिजामा है, लोग इससे काफी घबराते हैं, परेशान होते हैं कि पता नहीं जी हिजामा कैसे होगा। फेस पे वो इंजेक्शन लगवा सकते हैं, हाँ। लिफ्टिंग और क्या वो कहते हैं जी, वो बड़े बड़े ट्रीटमेंट जब चेहरे पे हो सकते हैं तो हिजामा जी भी जी, इसमें कोई किसी किस्म का पेन नहीं होता। ये लोगों की गलत फहमी है कि पता नहीं कितना ज्यादा इसके अंदर पेन होता है। अच्छा, इसके अंदर मैं ये भी दिखाऊँ की हमारे पास हर चीज बिल्कुल डिस्पोजेबल इम्पोर्टेड होता है आइटम, ठीक है। बाज लोग बड़ी गलतियां करते हैं कि ऐसे हिजामा सेंटर से कराते हैं जहाँ ये कप भी जो है ना वो लोकल इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद वो इस कप को धो के दोबारा वॉश करते हैं। ये टूल, अच्छा हैंडिंग के लिए, अच्छा ठीक है जी। ये इनकी स्किन को जो है ना ओके ऊपर कर ले। अच्छा ओके, बहुत इजीएस्ट है जी जी, कोई इसके अंदर इतनी बड़ी साइंस नहीं है जितना लोग इससे घबराते हैं। चले, अच्छा आज ये क्लियर हो गया ना, बिल्कुल। नाज़रीन आज देखिए, गुड मॉर्निंग, 5 मिनट के लिए इसमें लगेगा ये, ठीक है। इसके बाद फिर जो है इनकी स्किन को हम, आप जब तक बैक हो जाइए, मैं आपके बैक के पॉइंट जो है वो कर लेता हूँ। ओके okay. आपने ज्यादा नहीं, नहीं कोई बात, उन्होंने मूवमेंट की ना, हिलना जुलना नहीं होना है। हिलना जुलना नहीं है। ओके okay. ओके okay, पहले ये हम लोग इसको जुबैर साहब, सब सब बात, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी जी, मैं बिल्कुल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर एक तो सबसे पहले ये दूंगा आपको, ब्लेड जो है ना वो हमारे पास जापान के होते हैं, ठीक है। और ये डिस्पोजेबल होते हैं, लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो जो आपके ट्रीट ब्लेड वगैरह होते हैं ना वो यूज करते हैं, बिल्कुल गलत है ये इस तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी डिस्पोजेबल और इम्पोर्टेंट जो है, ये लोग असल में बाद हिजामा सेंटर्स में जाते हैं वहाँ पे जो है वो बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। ओह माय गॉड, अच्छा जी ओके। आज नाज़रीन वो ट्रीटमेंट आपको लाइव दिखाई जा रही है जो मेरे ख्याल में कभी भी किसी भी चैनल के ऊपर नहीं दिखाई जाती, और इसको एक ज़रा यूं कहूँगी कि एक डरा दिया जाता है, और हजामा का वर्ड यूज़ किया जाता है कि बड़ा कट लगता है, ऐसा वो जो खौफ ज़्यादा कर दिया जाता है, जो लोग घबराते हैं, तो घबराना नहीं है। और बहुत ही जी, हम ज़ुबैर साहब इस वक्त जी, उठने बैठने से जो है ना ये कप निकल जाता है, ये भी नॉलेज हो गई ना कि कहाँ का मिस्टेक नहीं करनी चाहिए पेशेंट को, उठना बैठना जो है ना ये वो नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग इस लाइव शो में इट्स ओके, कुछ अगर आगे पीछे हो रहा है। अच्छा, ये ब्लेड होता है, ठीक है जी, ये जापान के ब्लेड्स हैं, और साथ में होल्डर किसकी, इसकी ग्रिप के लिए है। ये हम 2 से 4 मिनट को देते हैं, तकरीबन वक्त हो गया,
अच्छा, इनका जब वो स्किन को जी थोड़ा, मैं चाहूंगी जब तक आप ऐसे ही खड़े होके, जब तक ये आपको लगता है थोड़ा टाइम है तो गुफ्तगू जाए आप की जो है इस वक्त मेरे दरमियान आपकी इनके वो, देखें स्किन डिजीज, स्किन की जितनी बीमारियां जैसे ये छाइयां होती हैं, पिंपल्स होते हैं, दाने होते हैं, उसके लिए स्किन का हिजामा बहुत बेस्ट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अमराज इंसान को स्किन के होते हैं और ख्वातीन अमूमन जो है वो हिजामे के हवाले से परेशान होती हैं, हालांकि उनकी स्किन जो है ना वो इससे बहुत बेहतर होती है। हमारे पास ख्वातीन का अल्हम्दुलिल्लाह बापर्दा निज़ाम मौजूद है जहाँ पे हमारी लेडीज़ ही जो है ना वो लेडीज़ को हिजामा अच्छा, करती हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ख्वातीन अमूमन फेस के हिजामा वगैरह कराती हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, इसके अंदर बहुत आसान होता है, कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं है और लेडीज़ ही लेडीज़ का हिजामा करती हैं। हमारे भाई ये बताइएगा कि आपने कहा कि स्किन जो है स्किन के ऊपर तो स्किन की बीमारी से रिलेवेंट है या उसकी खूबसूरती को इन्हें, दोनों चीजें, दोनों चीजें, दोनों चीजें जो बीमारी है, बोटॉक्स करवाते हैं, रिंकल्स और ये वो, दोनों चीजों के लिए बेस्ट है ये। अच्छा ओके, फर्क पड़ता है जी, बिल्कुल पड़ता है। ओके अच्छा, अब देखें ये कप हम इनका निकाल देंगे। अच्छा अब कप निकल रहा है, गुड। अच्छा ये बिल्कुल लाइट स्क्रैचेस होते हैं, ये कोई इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है जिसको हम समझे कि ऑपरेशन है, ये लाइट स्क्रैचेस होते हैं जिससे इनकी बॉडी इसका जो है ना वो गंदा खून सारा। और ये भी मैं आपको बताऊं, बाज़ लोग समझते हैं कि जितना गहरा कट होगा, जितना ज्यादा खून निकलेगा उतनी ज्यादा शिफा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा इसके स्टेन तो नहीं स्किन पर रह जाते? नहीं, ये दो दिन के अंदर खत्म हो जाते हैं। अच्छा, दो दिन के अंदर ये निशान आपके गायब हो जाएंगे। ओके अच्छा, मैं एक चीज देख रही हूँ, पहले आप इसको, इसे क्या कहते हैं आप, कप लगाते हैं? ये कप लगाते हैं। अच्छा, ताकि ये जो है ना कपिंग भी कहते हैं जी, इसको कपिंग थेरेपी भी कहते हैं। अच्छा, कप लगाने से क्या होता है, वो स्किन एक जगह जी वो कंट्रोल में आ जाती है और फिर ये और उसमें ब्लड आ जाता है। बिल्कुल ब्लड आ जाता है, प्लस ये की जगह थोड़ी सी सुन भी हो जाती है। ओके, जिससे तकलीफ का एहसास और कम होता है। अब ये हम छोड़ देंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए, तो ये इनका जो है ना ब्लड सारा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तरीका कार है इनका। अगर हम इसकी ब्लड इनका आना शुरू हो गया, अगर आप कैमरा में दिखाएं, हाँ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ब्लड इनका आना शुरू हो गया। अच्छा, इनकी कमर पे दिखाएंगे आप? जी कमर। अच्छा, एक काम, इनको बोले इनके टांगे उठा के उस साइड कर ले तो इनकी कमर इस साइड आ जाए। नहीं, अभी फिर ये कब दोबारा निकल जाएगा जैसे पहले निकला था? बिल्कुल नहीं हिलना भाई, 2-3 मिनट के अंदर हम इसको निकाल देंगे। इनका देखो मुंह हो रहा है शायद ना, इन मेरे भाई है ना जरा कमजोर से, गाल इनके जरा कम है। मैं देख रही हूँ कि इनका जो है ना वो गाल थोड़ी कम, रिसेप्शन हमने कम दी है इनको, स्किन पे थोड़ी सी कम देते हैं। ठीक है, और इनका नंबर भी स्क्रीन पर जो है हकीम जुबैर अब्बासी साहब का नंबर चल रहा है, आप इनसे प्रोग्राम के बाद रापता कर सकते हैं और इनका एड्रेस लोकेशन भी जो है वो बहुत इजीएस्ट है, आप वहाँ पर भी इनके टाइमिंग के मुताबिक पहले इनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और इनके नंबर ऑन है। और अच्छा, हैदरी डॉलमेन मॉल के नियरेस्ट हैं, और अगर आप, जाहिर सी बात है मैं तो कहूँगी कि जिसको भी ये प्रॉब्लम है, अल्लाह ना करे कोई भी प्रॉब्लम है, अच्छा ये सवाल आ गया जहन से जिसको भी प्रॉब्लम से, कि ये सिर्फ बीमारी वाले ही जाके कपिंग करवा सकते कि अपनी जिंदगी को सके तो 6 महीने बाद कुछ ना कुछ, ये जिसको बीमारी है वो तो बिल्कुल हिजामा कराएगा, लेकिन जिसको बीमारी नहीं भी है वो भी सुन्नत समझ के लाजमी हिजामा कराए, उसके लिए बहुत बेहतर होगा ये। क्योंकि बहरहाल मैंने कहा अभी जो हम पॉइंट इनके बैक के ऊपर लगाएंगे ये सुन्नत पॉइंट है, इन सुन्नत पॉइंटों के ऊपर ही सिर्फ 72 बीमारी होता है शिफा है। अब जैसे फेस के ऊपर हमने लगाया ये तो फेस के लिए, जैसे आपके पिंपल्स हैं, आपकी झाइयां हैं, आपके दाने हैं चेहरे के ऊपर, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाती है। ठीक है जी, अभी अच्छा ये इन्होंने कहा है कि इनकी जो बैक साइड है वो सुन्नत है, उसको अगर जितना ब्लड हमें लेना था ना जी सर, बिल्कुल मामूली सा, आप अगर देख सकते हैं लोग बहुत घबराते हैं, पता नहीं कितना खून खून हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, हमें बिल्कुल थोड़ा ब्लड इसके अंदर चाहिए था, ठीक है, वो हमने ले लिया जी। अब ये बारह मुझे थोड़ा सा तो कैमरे के आगे आना पड़ेगा, नहीं नहीं इसको क्या हो रहा है, क्लियर आ रहा है थोड़ा सा। ठीक, ये हमने यहाँ से इसको साफ कर दिया,
ओके, अच्छा ये जो निशान आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ आज रात तक खत्म हो जाएगा। अच्छा, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है। शुगर वालों को शुगर, हाँ बिल्कुल शुगर, अच्छा सवाल है ना। हाँ बिल्कुल अच्छा सवाल है। शुगर के मर्ज में भी इजामा होता है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊँ, नहीं बिल्कुल नुकसान देह नहीं होता, ये बिल्कुल लाइट स्क्रेचेस होते हैं। और फिर चूंकि इसके ऊपर हम लगाते हैं शहद, ये भी मैं आपको एक बात बताऊँ, हालांकि पॉलीफेक्स भी हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन हम पॉलीफेक्स इसके ऊपर नहीं लगाते, हम इसके ऊपर लगाते हैं शहद, क्योंकि शहद जो है ना वो एंटीसेप्टिक भी होता है और एंटीबायोटिक भी होता है, एक बेहतरीन किस्म की चीज है। तो और लेकिन प्योर होना चाहिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है हमारा अपना ब्रांड नेक्टर का है, तो नेक्टर इनका अपना ब्रांड है, शहद इनका अपना, मतलब इट्स मीन कि अब तो सर्दी आ गई तो वैसे ही नॉर्मल, लेकिन सर्दी हो या गर्मी, शहद वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबको बहुत, जो अपने सहाबा किराम थे और वो खुद भी बहुत शौक से शहद का इस्तेमाल करते थे। नेक्टर हनी हकीम जुबैर अब्बासी साहब का पर्सनल और इनका ब्रांड है, और इनका एक बेरी का जो शहद है वो शुगर वाले भी यूज कर सकते हैं, बेरी के शहद शुगर वाले भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सुक्रोज फ्री होता है। अच्छा ओके, अच्छा अब हमने इनका बैक का पॉइंट लेना है, उसके लिए इनको शर्ट जो है ना, अच्छा अब ये ऑफ कोर्स नाज़रीन मैं ये कहूंगी कि इस इनका ये जो ब्रांड मेरे पास ही रखा हुआ है टेबल के ऊपर, ये वाला यहाँ पर, अच्छा ये व्हाइट बॉटल्स में क्या है हकीम साहब जी? ये व्हाइट बॉटल, व्हाइट बोतल के अंदर हमारा सिरप होता है। अच्छा, जो कि दिल की बंशरियानों के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, लेवल फैलाने के लिए, गाढ़े खून को पतला करता है, ये बहुत बेहतरीन चीज है। ठीक है, इनके अगर आपने ऑर्डर्स वगैरह भी करना हो तो देन आप ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे जो है इनकी शर्ट उतारने की जरूरत है आपको? नहीं, शर्ट उतारने की जरूरत नजर नहीं आएगा ना अभी, क्या करूं? बस ठीक है, आप सही है, आप आए हकीम साहब, अब आप आपने फेस थोड़ा सही रखना, गुड हो गया जी, नाज़रीन फेस रख क्या। अब ये जो पॉइंट्स मैं इनके लगा रहा हूँ ना, ये पॉइंट्स कहलाते हैं सुन्नत पॉइंट्स, जिसपे मैंने आपको बताया कि 72 बीमारियों से शिफा है। ठीक ठीक ठीक, अच्छा ये कप जो है वो जरा बड़ा साइज है जी, ये थोड़ा बड़ा है, फेस का जो कप होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। अच्छा, इससे 72 बीमारियों जी जी, ये सुन्नत पॉइंट जो है 72 बीमारियों से शिफा है, साथ चूंकि इनको, अच्छा एक बहुत ही सेंसिटिव माजरत के साथ क्वेश्चन करने वाली हूँ जी जी, ये जो कैंसर पेशेंट है उनको करवाना चाहिए? कैंसर पेशेंट्स के लिए हिजामा बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी मैं आपको बताऊँ, कई कैंसर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। असल में हमारे इलाज का तरीका तीन तरह से है, एक हिजामा है और दूसरा जो है वो रूहानी है। कैंसर बाज उलमा के नज़दीक एक रूहानी असराती बीमारी भी है, ठीक है, तो उसको हम रूहानी वाले से भी हैंडल करते हैं, और इसी तरीके से तीसरा हिकमत यानी तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। तो इसका इलाज कैंसर का हम तीन तरह से करते हैं, कोई भी बीमारी हो उसको हम तीनों तरीके से देखते हैं। किसी एक, बाज़ दफ़ा होता ही है कि हम मरीज़ को दवा देते हैं, मरीज़ को दवा असरअंदाज नहीं होती क्योंकि उसके साथ रूहानी मसाइल भी होते हैं, तो उन रूहानी मसाइल को हल करने के बाद अल्लाह की तौफीक से वो बीमारी ख़त्म हो जाती है और मेडिसिन असरअंदाज होती हैं। और कैंसर के मरीज़ को भी इसी तरीके से, जैसे हम इसमें अभी हिजामा कर रहे हैं, उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स अलग हैं, जैसे ये तो सुन्नत पॉइंट है, इनको चूंकि सांस का भी थोड़ा इशू है तो ये पॉइंट्स हमने उस हवाले से लगाए जी। तो अब हर बीमारी का, आप शुगर का है या कोई भी ऐसा मसला है, उसके पॉइंट्स सबके अलग अलग हो जाते हैं। ये जिस जो इसने पढ़ा होता है वो उससे नॉलेज होती है जी, बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी चीज ही ये है कि हिजामा सेंटर्स बहुत सारे खुले हुए, मैंने आपको बताया कई छोटे छोटे इलाकों के अंदर खुले हुए, वो रेट्स यकीनन कम लेते हैं, हमारे भी रेट्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 200 पर कप हम चार्ज करते हैं। तो उसमें ये नॉर्मली बेडशीट्स आप कभी भी नहीं देखेंगे हिजामा सेंटर्स के ऊपर, ये हमने डिस्पोजेबल बेडशीट बिछाई हुई है, ब्लेड हमने इनका जापान के हम इस्तेमाल करते हैं, कप भी इम्पोर्टेड होते हैं, नए कप होते हैं, फ्रेश होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, बाद में सब कुछ डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, इन्हीं कप्स को जो है ना, पहली बात ये कप्स नहीं होते वो, ठीक है, वो बिल्कुल हल्की क्वालिटी के कप्स होते हैं। तो कल एक पेशेंट मेरे पास आया स्किन एलर्जी का, तो मैंने उनको बताया कि आप जहाँ से हिजामा करा कर आए हैं वो तो आप
तो और ज्यादा मसला खराब हो गया। क्यों? वहां पर इतना गंदा निज़ाम, कोई प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं थी, कोई अच्छी मैनेजमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से वो स्किन एलर्जी के लिए सही कराने के लिए गए थे और ज्यादा बीमार होकर। तो ये एक चीज जरूर मद्देनजर रखें कि हिजामा सेंटर, हिजामा एक्सपर्ट जो आप इंतखाब करें वो बेहतर होना चाहिए, जो अच्छी चीजें इक्विपमेंट इस्तेमाल करें। ओके, ताकि मर्द में फायदा। नहीं नहीं, सही कह रहे। और मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि कैंसर वाले भी जो है वो इसको ट्रीट करवा सकते हैं, अल्लाह पाक शिफा दे उनको, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है। बिल्कुल जी, कई लोग कैंसर के परेशान हैं और अल्लाह की तौफीक से हमारी इलाज गाह में आते हैं, बल्कि मैंने बाहर लिख के भी बड़ा सा लगाया हुआ है कि कैंसर के मर्ज के लिए बेहतरीन इलाज गाह है, क्योंकि हम तीन तरीके से रूहानी हवाले से भी, तिब के हवाले से भी और हिजामे के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल करते हैं। और मैं कहती हूँ हकीम साहब, अगर लोगों को ये पता चल जाए कि अगर कैंसर की ट्रीटमेंट इसमें और इसमें अल्लाह पाक उनको शिफा देता है, तो यकीन करें, मैं कहती हूँ कितने लोग जो बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं, उनको ट्रीटमेंट हो जाए तो उनको फ़ायदा हो जाए। देखिए, ये तो हम इसको रोज़गार नहीं समझते, हम इसको इबादत समझते हैं। मरीज और तबीब का जो रिश्ता है वो एक बहुत ही मुखलिसाना रिश्ता है। अगर इस रिश्ते के अंदर, मरीज और तबीब के रिश्ते में कोई लालच बीच में आ जाती है ना, तो ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। तो बगैर किसी लालच के आप अपने मरीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, यकीन करें अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर आपको अजर भी देता है, और लाजमी सी बात है दुनिया के असबाब हैं वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा फरमाते हैं। तो मरीज़ के साथ मुखलिस होना चाहिए, बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है। सही। अच्छा, अब ये जो हमने कप्स लगाए, अब तकरीबन 5 मिनट का टाइम। अच्छा, इस ये भी सारा हम बता दें नाजी, जैसे स्किन के ऊपर कम से कम 3-4 से 5 मिनट होते हैं। हाँ, तकरीबन कोई भी पॉइंट हो उस पर 3 से 5 मिनट का हम लगा के रखते हैं, सारा ब्लड ऊपर आ जाता है, स्किन जो है वो ऊपर आ चुकी होती है, और थोड़ी सी जब हम कट्स लगाते हैं पेशेंट्स को इतना फील नहीं होता। अच्छा हकीम साहब, थोड़ा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मैं भी देख रही हूँ अपनी आंखों से, यहाँ बहुत लाइव नाज़रीन भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक गोश्त जब आप एक एयर आप करते हो कप में, तो वो ऊपर गोश्त की तरफ आता है और सारा ब्लड, तो ये ब्लड वही वाला आता है जो हमने इसको निकाला, इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ हिजामे के अंदर आपका जो गंदा खून है वो आएगा, ठीक है। और आप इससे बिल्कुल परेशान ना हो कि जी जैसे गंदा गंदा पानी के ऊपर आ जाता है। बाज पेशेंट्स के हमने 22 और 23 कप्स भी लगाए हैं, और इससे भी ज्यादा कप्स लगाए हैं, डिजीज के ऊपर होता है। अच्छा, कौन सी बीमारी कैसी है। अब इस वक्त तो हम चूंकि सिर्फ समझाने के लिए आपको कि सुन्नत पॉइंट है, और इनको चूंकि सांस का भी थोड़ा इशू था, तो हमने वो पॉइंट्स भी इनको लगा दिए हैं, सांस खींचने में तबने का थोड़ा सा इशू था। तो हर बीमारी के अलग पॉइंट्स हैं, बाज बीमारियों के अंदर 3 से 4-5 पॉइंट्स लग जाते हैं, बाज बीमारियों में 22-25-23 तक कप लग सकते हैं। अच्छा, सेशंस अलग अलग होते हैं, यानी आज के सेशन में मिसाल के तौर पर हमने 10 कप लगाए, अब जो अगला सेशन 15 दिन के बाद होगा तो उसके अंदर हो सकता है कि मजीद 10-12 कप और हम शामिल कर दें। फिर तीसरे सेशन में हम देखेंगे कि कप कितने कम करने हैं, हो सकता है हम 10-12 कप उसमें कप कम कर दें। तो ये अलग अलग नौयत के ऊपर होता है, मरीज की अपनी अपनी अलग बीमारियों के ऊपर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, ये जैसे पिंडलियों पर है, थाइस के ऊपर है, हम लोग कुछ लोगों के होते हैं ना कि जैसे आपने कहा शटिका का पेन है, अरकुनिसम कहते हैं, और फिर हमारे जो है नीचे राने हैं, तो क्या ये पूरी कुछ लोगों के, मतलब हम लोग फुटेजेस देखते हैं गूगल्स के ऊपर, तो पूरी बॉडी पर भी जिसको जैसे जैसे प्रॉब्लम्स है अरकुनिसम के मर्ज। अच्छा, कोई भी मर्ज हो उसमें सुन्नत पॉइंट तो लाजमी लगता है, लेकिन अरकुनिसम में फिर यहाँ कमर के पॉइंट देते हैं, L4 L5 जो है वो पॉइंट देते हैं, हिप से होता हुआ फिर जिस टांग के अंदर वो अरकुनिसम का दर्द उतर रहा होता है, फिर वो टांग पूरी ली जाती है, तो उसके पॉइंट्स बाहर। अच्छा, जिसको जितनी तकलीफ होती है उतने सेशन आप फिर आप जी बिल्कुल, उसके लिहाज से मरीज हमारे पास आता है, उसके बाद फिर हम उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम फिर इसका फैसला करते हैं कि इसको कितने पॉइंट लगने चाहिए और कहाँ पे लगने चाहिए। ठीक है जी, अब ये हम इसको उतारेंगे कप्स को। ओके, अरे वाह, ये ऊपर की तरफ आ गया। अब हम ये दो को इन्होंने कप उतार दिए, अब इसको कट लग अब रहा है। हम मरीज को कहते हैं जब कट लग रहे हो तो बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा दुरूद शरीफ ये पढ़ लिया करें, इससे एक इंशाल्लाह और ज्यादा मर्ज बेहतर होता है। अच्छा, हल्का सा पिंच होता है जैसे इंजेक्शन? बिल्कुल मामूली सा, इसमें कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती है। अभी ये मैं पहली बार इतना करीब से, काफी सारे नाज़रीन पहली दफा देख रहे होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ये पहली बार गुड मॉर्निंग विद सभी में ही देखते हैं। अब तक लोगों ने हिजामे को यकीनन सुना हुआ होगा। आज आपने जो है वो लाइव। अच्छा, करने के बाद फिर दोबारा? जी, फिर दोबारा लगाएंगे ताकि खून जो है वो सारा ऊपर आ जाएगा, उसके बाद फिर हम इसको सफाई कर देंगे। भाई क्यों ना करवाएं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है और उन्होंने इसको प्रिफेयर भी किया है, तो मेरे ख्याल में नाज़रीन आप लोग
जो है ज़रूर आप लोग जो भी आपके घर में किसी को भी ऐसी कोई तकलीफ है एक बार ज़रूर करवाएं। और ये नीम हकीम और ये डिफरेंट जो गलियों में है उनके पास मत जाएं, थोड़ी नॉलेज लेके जाएं, किसी के पर भी जाएं जी, फिर वो और नुकसान भी होता है। जैसे मैंने बताया आपको कल एक एलर्जी पेशेंट करा कर आया, उल्टा और एलर्जी लेकर आ गया, क्योंकि वहाँ का सारा निज़ाम गलत, निज़ाम गंदा, लोगों ने असल में हर चीज़ को कारोबार समझ लिया है। और किसी को गलती से शिफा उसे सब जगह मशहूर भी तो कर दिया, ये भी तो बड़ा मसला है। अब उसने कहा कि मैंने जाके 500 रुपए में जमा करवाए, अब जी आप भी चले जाएं, मुझे शिफा हो गई है, तो वो फिर 10 लोग और तकलीफों में, वो और डबल तकलीफों में चले जाते हैं ना। बीमारी कम लेके जाते हैं, मजीद बीमारी बढ़ा कर आते हैं गंदगियों की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से। तबीब के बाद देखें ब्लड आना, मैं समझ रही हूँ, अब ये वो गंदा खून है जो ऊपर। अच्छा आपने एक और चीज भी कहते हैं ना कि मेडिकल में कहते हैं कि अपना खून देना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि आपका प्योरीफाई हो रहा है, वो एक अलग टर्म है। और लोग अक्सर ब्लड देते हैं और ये वो खून निकल रहा है जो आपका गंदा है, ये तो बॉडी का गंदा खून निकल रहा है। और जो बीमारियों के ऊपर जो मामलात हैं उन बीमारियों के ऊपर ही कट्स लग रहे हैं, ताकि ये इंशाल्लाह बेहतर होगा। ओके, और ये कट्स जो है वो 2 दिन में आपका रिलीफ हो जाता है, ये तो समझ लें कि इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर क्या रात तक ही जो है ना काफी बेहतर हो जाता है। अच्छा मैं यकीन करें जब आपने कहा ना मैं हजामा लाइव, मैं डर गई थी क्योंकि जहन में लोगों ने ऐसा कॉन्सेप्ट डाला है ना वो ये खून ये वो ऐसा, मैं डर गई। मैंने कहा यार जुबेर भाई ये कैसे हो सकता है, तो आपने कहा देखो ये लाइव, और वाकई में उन्होंने ये बहुत, अभी मैं सामने देख रही हूँ यार कुछ भी नहीं है, इट्स ओके, कुछ भी नहीं है, कोई तकलीफ इसमें नहीं होती। देखें आप डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाते हैं तो सुई चुभने की तकलीफ तो होगी ना, अब मैं आपको ये कहूँगा सुई चुभने की भी तकलीफ नहीं होगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। सुई चुभने की तकलीफ होती है और इसके अंदर भी इतनी ही तकलीफ होती है, इससे ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होती है। फिर आप ये देखें कि ये शिफा ही शिफा है, जिस चीज़ को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लिए पसंद किया, अपनी उम्मत के लिए पसंद किया, उसमें भला शिफा क्यों नहीं होगी। और मैं देखूं पूरी मैं अक्सर मैं देखती हूँ 10% लोग शायद करवाते हैं। अच्छा जिधर ज्यादा तक प्रॉब्लम है बीमारी, अच्छा, वहाँ ब्लड ज्यादा आता है क्या? जी बिल्कुल, देखें इस कप के अंदर आप महसूस करेंगे ब्लड ज्यादा आ रहा है, ठीक है, बाकी कप्स के अंदर इसके मुकाबले में थोड़ा कम आ रहा है। तो जिन पॉइंट्स के ऊपर तकलीफ ज्यादा होती है, मर्ज ज्यादा होता है, मर्ज की नौयत ज्यादा होती है, वहाँ बहरहाल ब्लड ज्यादा आता है। अच्छा दूसरी एक और बात बताऊं, बाज हिजामा एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, वो मरीज को मुतमइन करने के लिए इतने डार्क स्ट्रेचेस देते हैं कि एक तो उसको जख्म उल्टा बन जाता है और खून उनको दिखाना होता है जी बहुत ज्यादा निकल रहा है और जो आप बीमार हैं, फिर वहां से उनको दूसरी तरफ इधर उधर घेरा घारी शुरू करते हैं। कभी भी किसी हिजामा एक्सपर्ट से लगवाएं, उनको बोले लाइट स्क्रैच दीजिए, डार्क स्क्रैच बिल्कुल मत लगवाएं। तो उसी अल्लाह के नबी ने जो फरमाया ना, वो शिफा दरअसल कट के अंदर है, ब्लड निकलने में नहीं है। ब्लड कम निकले ब्लड ज्यादा निकले इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने तबीब अपने मालिज हिजामा एक्सपर्ट को इतना जरूर बोलें कि आपने स्क्रैचेस कट्स बिल्कुल लाइट दे रहे हैं, ठीक है, तो हमने इनको लाइट स्क्रैचेस दिए हैं, लाइट स्क्रैचेस के बावजूद भी आप ये वाला कप देखें इसके अंदर ब्लड जो है थोड़ा ज्यादा है बाकी कप्स के मुकाबले में, बाकी कप्स में कम है। और साथ साथ तो मैं कहूंगी कि आप अपने नाज़रीन को जरा सा अपना एड्रेस अपनी टाइमिंग जरा बता दें। अच्छा एड्रेस वैसे तो स्क्रीन पर भी चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्थ नाज़माबाद हैदरी नियर डॉलमेन शॉपिंग मॉल, और जैसे ही डॉलमेन शॉपिंग मॉल हैदरी पे आप नॉर्थ नाज़माबाद पहुँचते हैं कॉर्नर पे हैदरी स्वीट्स है, हैदरी स्वीट्स के साथ डबल रोड अंदर आ रहा है, उसी डबल रोड पे एक बड़ा मशहूर बोरी हुसैनी चिकन कॉर्न सूप, बहुत सारे लोग जानते हैं, वो बोरी चिकन कॉर्न सूप के बिल्कुल बराबर में हमारा मतब है, बार बोर्ड लगा हुआ है, खालिस शहद नेक्टर हनी रूहानी व तिब्बी लाजगा एंड हिजामा सेंटर, पीर मंगल बुध 3 दिन मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ, शाम 7 से रात 10 बजे तक। बहुत बेहतर ये होगा कि आने से पहले जो है वो कांटेक्ट कर ले, अपॉइंटमेंट ले ले, ताकि आपका भी वक्त बचे और हमें भी परेशानी ना, क्योंकि पेशेंट्स होते हैं अमूमन ना, तो हम वो टाइम दे देते हैं, जैसे इनको हमने टाइम दिया 6 बजे का, हमें पता है इस पेशेंट के ऊपर आधा घंटा हमें लगना है, तो फिर आपको 6:30 बजे का टाइम देंगे ताकि आपका वक्त भी बहुत कीमती है, अंदाजा है। अच्छा बस अब हम इसको सफाई करेंगे। ओके जी नाज़रीन, अब ये देखें कितने ऑफ कोर्स बहुत रिलैक्स हुआ पेशेंट जी, और ये बहुत तरीके से इसको क्लीन करना पड़ता है, ताकि देखिए जी कप में स्क्रीन पर मेंशन हो रहे हैं, और बहुत ही तरीके से इसे साफ किया जाता है,
ओके अच्छा, इसके ऊपर फिर शहद? जी बिल्कुल, मैं तो शहद लगाता हूँ। एक और टिश्यू पेपर एक और दे दे सर। मैं तो जो है वो शहद ही लगाता हूँ। ओके, और बाकी जो है वो लोग इसके अंदर अगर पॉलीफैक्स वगैरह लगाते हैं होती हमारे पास भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो है ना वो शहद बेस्ट होता है। ओके अच्छा, साथ साथ वो डस्टबिन में कप को जी इसको डिस्कार्ड कर देते हैं हम। ओके, शहद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा कमाल रखा है जी। ठीक है जी, शहद खुद एंटीसेप्टिक भी अपने अंदर जरासीम को नहीं रहने देता। ओके, और जिन जख्मों के ऊपर शहद लगा दिया जाए वो जख्म बहुत जल्दी बेहतर हो जाते हैं। ओके, जिस चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा कहा, यस सर, तो वो तो आप समझे ना कि क्या चीज होगी। ठीक है, कुरान ने सूरह नहल ने इसको शिफा कहा है। सब मुकम्मल फिर इसकी जो हम सफाई करने के बाद इनकी बैंडेज कर देते हैं, और ये बैंडेज 2 घंटे के बाद आप उतार सकते हैं। 2 घंटे के बाद उतार के आप नहा लें। हाँ, एक चीज का ख्याल करें, वो चीज ये है कि 2 दिन तक आपने दूध, अंडा और मछली इस्तेमाल नहीं करना। ओके, ओके, दूध, अंडा और मछली। अच्छा जी, अब आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर हम खालिश शहद नेक्टर हनी लगाते हैं। शहद मैंने बताया ये बेहतरीन चीज़ है जख्मों को ठीक करने के लिए। तो बहुत कम लोग शहद वैसे लगाते हैं हिजामा, लोग पॉलीफैक्स वगैरह या दूध दीगर जो चीज़ें हैं वो लगाते हैं। मैं इसमें बहरहाल शहद को पसंद करता हूँ। वैसे ये एंटीसेप्टिक तो है ही। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी, आपको बात कहूँ कि आप कहेंगे हाँ ऐसा है, अगर हमारा हाथ कट जाए तो खून रुकता ही नहीं है, लेकिन आपने देखिए कट लगाया उसके बावजूद एक जो आपने साफ कर दिया उसके बाद ब्लड ही नहीं बाहर आया। बिल्कुल भी नहीं होगा ये, आपके एक्सपर्टीज में देख रही हूँ। बिल्कुल नहीं होगा, वरना यकीन करें नाज़रीन, हम लोग काम या किचन में काम करते छुरी से कट लग जाए तो वो ब्लड निकलता है और उसके बाद वो रुकता ही नहीं, उसको जितना क्लीन करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर कितना ज्यादा ब्लड था, वही मैं देख रही ब्लड का कोई नाम मैं समझी। आपने साफ करने के बाद वो मैं वेट कर रही थी कि शायद वो फिर उभर के आ जाए, लेकिन वो वही निकला है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। जी बिल्कुल, वाह जबरदस्त, आज लाइव देखा बहुत अच्छा लगा। और 100% हम बेशक हेल्दी भी है, लेकिन मैं कहूंगी हम जरूर एक बार करवाएंगे। बिल्कुल, हिजामा तो हर शख्स को कराना चाहिए, एक तो सुन्नत समझ के कि सुन्नत, और ये खास पॉइंट पर जरूर करवाना जी। सुन्नत पॉइंट तो बहुत जरूरी है हर शख्स के, कोई तो वजह होगी। बिल्कुल, नबी अलैहिस्सलाम को अगर फरिश्तों की जमात बाकायदा जो है ये कहती है, वही तो कह रही हूँ कि ये कोई तो हमारी उम्मत के लिए उन्होंने बेहतर सोच के ये जो है बताया है सबको कि ये करवाना है। तो ऑफकोर्स कुछ मैं सोच रही हूँ आपके जो ये तो सो गया अलग, ये आपको पेशेंट बड़े मजे से रिलैक्स, बहुत रिलैक्स और रिलैक्स। अब मैं इनके कमेंट्स लेना चाहूंगी ना जी, बिल्कुल, तो मैं इनके भी आप, आई हैव जस्ट ओनली मैं 5 to 7 मिनट में चाहूंगी कि इसके अंदर हम हमारा हिजामा मुकम्मल हो गया, कंप्लीट इनसे गुफ्तगू भी हो जाए। यस, वेट करें एक सेकेंड, आपको जरा सा उठा लें इनको, हो गया जी बस। और यस, इनका लास्ट लगा दें इनको, बाकी बैंडेज हम इनकी बाद में भी कर देंगे। ओके, चले जी आप, नहीं ये काफी हद तक बेहतर हो गया। ओके जी, इनको कब से आप ट्रीट कर रहे हो? ये हमारे पास दूसरा सेशन है इनका। ओके, इनको असल में सांस का भी थोड़ा इशू रहता है। अच्छा जी, तो ओके, अभी काफी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाज़िन, मैं ऑफकोर्स एक मिनट जुबैर भाई आपने ना फिर उस साइड से आ जाइएगा, मैं बात कर रही हूँ। अच्छा जी नाज़िन, हम लोगों के साथ जुबैर अब्बासी साहब मौजूद है अभी, वो यहाँ पर यहीं पर ही आप आ जाओ, आ रहे हो यहाँ पर या यहीं पर ही बात कर रहे हो? यहाँ सही है, ठीक है, मैं पेशेंट के पास वहीं पर ही। ओके ठीक है। अच्छा जी जुबैर भाई, थोड़ा ब्रीफ भी करेंगे ना, याद आ गया, तो इस पेशेंट को माइक दीजिएगा, इनसे जरा गुफ्तगू करें। जुबैर भाई भी सवाल करेंगे जी, आप हमारे नाज़रीन को, बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, माइक करीब करो ऐसे, हाँ, दर्द का तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, अच्छे से ट्रीट किया हकीम जुबैर साहब ने। आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी वो बताएं? इनको बेसिकली जब मेरे पास आए थे सांस का थोड़ा सा इशू था। अच्छा, तो उसके हाँ इस्तेमाल था इनको दमने का जो था, उसके लिए मैंने इनके जो नीचे के जो दो पॉइंट्स हैं वो लगाए। इससे पहले भी हमने इनको ट्रीट किया था, तो अल्लाह का शुक्र अब काफी बेहतरी की तरफ है। ओके अच्छा जी, माइक करीब करके बात कीजिए। अच्छा, आपको सांस का प्रॉब्लम था, तो ये आपको किसने सजेस्ट किया कि आप जो है हजामा करवाएं? मुझे मेरे एक दोस्त ने हकीम जुबैर साहब के पास भेजा, उन्होंने बोला अच्छे हकीम है माशाल्लाह, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छा ट्रीट करेंगे, तो मैंने इनसे रब्ता किया। अच्छा, और अभी मैंने हजामा कराया तो मुझे दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ।
तुम्हारे मुंह पे इतने बड़े-बड़े कट लगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आप समझते हैं कि हिजामा कराने से न जाने कितनी तकलीफ होगी, तो ये आप देख लीजिए कि हिजामा कराने से आपको किसी भी किस्म की कोई अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ नहीं होती है। अच्छा वही बात आपने, जैसे मैंने ही नहीं कहा कि वो हमारा कोई कट लग जाए वो रुकता ही नहीं, अब देखे कुछ भी लग ही नहीं इनके चेहरे पर। अच्छा इनके चेहरे पर भी कोई भी ऐसी चीज नहीं लग रही। देखें ये बिल्कुल ये कोई ऐसी चीज आपको इतनी महसूस नहीं होगी कि अभी, जबकि हालांकि बिल्कुल अभी हिजामा हुआ है। लोग समझते हैं कि हम हिजामा करा रहे हैं, पता नहीं एक हफ्ते तक किसी तकरीब में नहीं जा सकता था, कुछ भी नहीं है। ये रात तक ये भी जो मामूली सा अगर आपको महसूस हो रहा है, रात तक ये भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाना है। अच्छा अब इसकी फजीलत आपने बयान कर दी, मैं ये कहूंगी यही कहूंगी क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। और एक और बात मैं चाहूंगी इसकी थोड़ी सी डिटेल आप बता दें कि हम इसको जब करवाते हैं तो उसके बाद कितने बीमारियों के लिए ये रेकमेंड किया गया है और कब हमें कितने गैप के बाद करवाना चाहिए। देखें हिजामा जो है वो मसनून है, मैंने आपको बताया सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया और हर शख्स को हिजामा अपने ऊपर लाजिम रखना चाहिए। और हिजामे के साथ मैं आपको बताऊं, चूँकि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम इलाज करते हैं और शहद इसके अंदर एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है जो इंसान को कई बीमारियों से बचाता है। हिजामा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया इलाज के लिए और इसी तरह शहद को भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया इलाज के लिए। तो आप ज़रूर इन दोनों चीज़ों को जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए पसंद किया, हिजामा तरीक़ा इलाज और शहद को तरीक़ा इलाज, मेरी तकरीबन अदवियात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शहद मौजूद होता है और शहद हम अलग से भी नेक्टर हनी के नाम से पैक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हमारी ब्रांचेज मौजूद हैं, इसके अलावा भी दीगर जगह मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान भर के अंदर शहद अल्लाह की तौफीक से हम आपको डिलीवर करते हैं, आपके घर तक पहुँचाते हैं। नेक्टर हनी हमारे ब्रांड का नाम है। और इसी के साथ जो अभी मैंने इनको हिजामा किया है, हिजामा बाज़ दफ़ा हम करते हैं ऐसे पेशेंट को जो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट होता है या हार्ट का पेशेंट होता है, या जब हम उनको कर्ज देते हैं तो उनका ब्लड जो है ना वो क्लॉट्स की सूरत में निकलता है, जमा हुआ निकलता है, उनको फिर मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमारा एक सीरप है नेक्टर हार्ट सीरप, नेक्टर हार्ट सीरप वो भी शहद के साथ और दीगर जड़ी बूटियाँ और कुदरती चीज़ों के साथ मिला के तैयार किया जाता है। नेक्टर हार्ट सीरप के जहाँ बहुत सारे फ़वाद हैं, वहाँ एक ये है कि आपका जो गाढ़ा खून है उसको वो पतला करता है, ब्लड सर्कुलेशन जारी रखता है, दिल की बंद शरियानों को खोलता है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखता है, सांस फूलने का जो अमल होता है उसको दुरुस्त रखता है। यानी नेचुरल हार्ट सिरप की कई फजाइल हैं, कई खूबियां हैं, कई खवास। तो आप तमाम लोग नेक्टर हार्ट सीरप या नेक्टर हनी या हिजामे के लिए आप ज़रूर रब्ता कीजिए, हमारे नीचे नंबर्स दिए गए इन नंबर्स के ऊपर, और इंशाल्लाह आप मुतमईन होकर हमारे इदारे से जाएंगे। और नेक्स्ट वेडनेसडे हम मजीद शहद और आपका जो स्पेशल जो हार्ट के लिए जो सीरप आपने मेंशन किया इसके ऊपर बहुत डिटेल में हम ब्रीफ करेंगे कि इसमें कौन से कंपाउंड्स या मुरक्कबात शामिल किए गए हैं जो हमारे लिए और किस उम्र में लेने चाहिए, सब हम डिटेल नेक्स्ट वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे। हकीम साहब बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका भी। जी नाज़रीन हम लोगों ने यहाँ पर जाना है ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको दे दूँ सरप्राइज बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, उनका स्पेशल पैकेज आप देखिएगा क्योंकि कराची वालों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ग्रीन वैली इज अ बिगेस्ट प्रोजेक्ट और कैश प्राइस में है 12 लाख का, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहें तो 3 साल में आप इजीएस्ट इसको 20 लाख में ले सकते हैं अपनी जमीन पे अपना घर। लेट्स सी, देखते हैं स्पेशल पैकेज बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अस्सलाम वालेकुम मी साबी, और इस वक्त हम मौजूद हैं कहाँ पर, यस अब होंगे ख्वाब पूरे क्योंकि लेकर आ रहा है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके सपने पूरे करने का बेहतरीन प्रोजेक्ट ग्रीन सिटी के नाम से। और ये वो प्रोजेक्ट है जो आपके लिए 3 साल पहले ऑन किया गया था और जस्ट ओनली 2,40,000 में, सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। और इसके बाद कौन सा है, यस इनका एक फेज कंप्लीट हुआ तो सेकंड फेज में अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी से
प्लीज़ 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 ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा, ये ना हो कि ये भी मिस कर जाए। और वो है ग्रीन वैली, और बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि अगर आपने कैश पे लेना है तो जस्ट ओनली 12 लाख, और अगर आपको 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे चाहिए तो 20 लाख में एक बड़ा घर, यानी कि सोच में भी नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं था, लेकिन दिया किसने? बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट ने। नाज़रीन, अगर हमने बहुत सारी बातें इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछनी है तो कौन बताएगा? यस, COO इस वक्त मौजूद है फहद एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से। माशाल्लाह, जब भी कुछ लेकर आए हैं लोगों के लिए आसानियां और उनके सपने हमेशा आप लोगों ने पूरे किए हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप? बस ये अल्लाह का करम है और लोगों का एतमाद है हम पे, और ये एतमाद बनाने में हमें टाइम तो लगा, क्योंकि जब हमने बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 लॉन्च किया तो ये हुसैन मार्केटिंग ने किया था, और थीम ये रखी थी कि प्लॉट आप खरीदें पैसे हम देंगे। तो 2,40,000 का हमने प्लॉट रखा था। अगर उस वक्त आप मार्केट को देखें तो वहाँ 7.5 लाख रुपए का उस वक्त प्लॉट की कीमत थी। हमने लोगों की आसानी के लिए 2,40,000 में हमने वो प्लॉट दिया। तो बड़ी नेगेटिव थिंकिंग आई लोगों की कि ये भाग जाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे, 2,40,000 में कोई प्लॉट देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने लोगों से उस वक्त वादा किया 3 साल में, वो हमने 2 साल में तकरीबन मुकम्मल किया, और इंशाल्लाह ताला जनवरी से हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। सर, मैं जब ये सुन रही हूँ कि 2,40,000 का प्लॉट, वो भी 120 यार्ड, मैं कहती हूँ इट्स ये सरप्राइज इन शॉकिंग, क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी जगह पर इतनी कम कीमत में प्लॉट अवेलेबल नहीं होते, ये कैसे थिंकिंग लेकर आए लोगों के लिए? देखें, उस वक्त हमारा भी बैकग्राउंड जो था, हम भी जद्दी पुश्ती जमींदार नहीं थे। एक टाइम था कि जब वालदैन इन्वेस्ट करते थे प्लॉटों के हवाले से, इंस्टॉलमेंट के हवाले से, तो हमने उनको देखा तो एक डर होता था कि पता नहीं मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। जो प्लॉट उन्हें मिले उनसे उनको इन्वेस्टमेंट मिली जो हमारे काम आई, जिसको लेके हम आगे चले। लेकिन जो प्लॉट उनको नहीं मिल सके वो बड़ी नेगेटिव थिंग बनी लोगों के लिए, हमारे वालदैन के लिए। अब वहीं से हमने कहा कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी कंस्ट्रक्शन पे जोर दें, लोगों को कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग आएं और फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन पे। जबरदस्त बिन एहसान आप लोगों के लिए लेकर आया है ग्रीन सिटी का प्रोजेक्ट, जो जस्ट ओनली जो था, ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी आप लोगों को, और 2,40,000 में प्लॉट, और अब एक और स्टेप आगे आ गया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, और वो क्या है? ग्रीन सिटी वैली के लिए। और सुनते हैं फहद साहब से कि ग्रीन सिटी वैली जो अपॉर्चुनिटी है 20 लाख एंड 12 लाख, इसमें क्या जो है डिफरेंस है और किन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है? जी सर, ग्रीन सिटी वैली। देखें, ग्रीन सिटी फेज़ 1 जो इस वक्त हमने ओवरसीज ब्लॉक खोला है, हर बिल्डर की ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छा डेवलप करें ना, ब्लॉक्स को इस तरीके से बनाएं कि जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी वर्थ बने और बिल्डर की भी वर्थ बने। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने आपको मैंने बताया कि 2,40,000 हमने स्टार्ट लिया, आज वो प्लॉट 17 से 20 लाख 22 लाख के दरमियान में मार्केट में सेल हो रहे हैं। अब हमने एक नया ब्लॉक खोला ओवरसीज़ के नाम से, ये हम बिल्कुल अलग से एक ब्लॉक बना रहे हैं जिसमें हमने डेवलपमेंट बिल्कुल चेंज रखी है, राउंड अबाउट हमने उसमें अच्छे खासे रखे हैं, रोड को हमने बड़ा कुशादा रखा है, ताकि लोग, अब आप देख रहे हैं कि कराची कंजस्टेड होता जा रहा है, लोगों को प्रॉब्लम होती जा रही है। जैसे कराची को फैलना था, आपके आगे फैलना था, लेकिन कराची फैला ऊपर की तरफ। तो ये जो M9 सुपर हाईवे, इसकी एक वैल्यू हो गई है। तो इसी तरीके से ओवरसीज ब्लॉक हमने ओपन किया एक अलग जाविए के साथ, लेके मार्केट को देखते हुए कि अगर कोई इसमें इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है तो हमने अभी कीमत रखी है उसकी 20 लाख के, 3 साल के अरसे में वो 20 लाख में ले ले, और अगर वो कैश पे जाना चाह रहा है तो 12 लाख रुपए अदा करे और कंस्ट्रक्शन पे आए। कि इतने सारा एक हजूम है, बहुत सारे लोग प्लॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करें, लेकिन आपके इस प्रोजेक्ट में लोग या आपके बिन एहसान के नाम में क्यों साथ ज्वाइन हो, क्या ऐसी अट्रैक्शन है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट में? जहां आपको सेफ चीज मिल रही हो वहां पे हर बंदा इन्वेस्ट करता है। बिन एहसान की पहले दिन से, शुरुआत से लेके आज तक, हम डॉक्यूमेंटेशन, हमारी डेवलपमेंट, हमारी NOCs प्रॉपर होती हैं, ताकि अगर आप वहाँ पे काम करें, आप देखें जब आप कोई चीज़ ले रही होती है तो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो भी ज़मीन ली हमारे अपने नाम पे, हमारी जो NOC हैं वो सारे हमारे अपने नाम पे हैं, बिन एहसान के नाम पे हैं। अब अगला मरहला आता है लोगों को डिलीवर करने का, तो ईजी वे में आप उनको डिलीवर करें, उनको उनकी पोजिशन दें।
तो जब लोगों को परेशान मिल रही होती है तो लोग आपके पास आते हैं, जुड़ते हैं आपके साथ। लोगों को एक अच्छी टाउन प्लानिंग चाहिए, अगर आप अच्छी टाउन प्लानिंग के साथ लोगों को देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग आप पे ट्रस्ट ना करें। ओके, आप लास्ट में ये कहूंगी कि अपने नाज़रीन को दे दीजिए मैसेज, क्योंकि आपका जो करंट प्रोजेक्ट है मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। इस वक्त हम ग्रीन वैली को लॉन्च करने जा रहे हैं, बल्कि लॉन्च हम तकरीबन कर चुके हैं। हम जो हमारे 2,40,000 में लोग फायदा ना उठा सके या कम से कम रेट में ना फायदा उठा सके, तो वो आए हमारे ऑफिस विजिट करें, जो गुलिस्तान जौहर में हेड ऑफिस है, गुलशन राशिद मिनाज रोड पे, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे डीलर हजरात बैठे हुए बिन एहसान का, जहां आपको ना मिले आए लोग विजिट करें, साइट को विजिट करें, क्योंकि बेसिक चीज है कि साइट को देखें वहां हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस वक्त बिन एहसान ग्रीन सिटी और ग्रीन वैली में दो अच्छे मौके हैं लोगों के लिए कि जो लोग 2,40,000 में हमारे साथ नहीं ज्वाइन हो सके वो आए, 12,00,000 में ज्वाइन हो, 5,95,000 में ज्वाइन हो, आप आए चीजों को देखें, हमारे प्रोजेक्ट को विजिट करें, जो हमने वहां डेवलपमेंट की, जो टाउन प्लानिंग की, उसको देखें, वेरिफिकेशन करें, उसके बाद अपना फैसला करें।